तथा स विस्मयाविष्ट। तब वह आश्चर्य में भरा त्रिष्टरोमा धनंजय देवम रोमांचित हुआ अर्जुन देव को शिरसा प्रणम्य कृतांजलि अभाषत, मस्तक द्वारा प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, देव तव देहे सर्वान देवान, हे देवाधिदेव, आपके शरीर में सब देवताओं को चभूत विशेष संधान तथा प्राणियों की विशेष प्रकार की समुदायों को कमला सनस्थम ब्रह्मानम, कमलासन पर बैठे चतुरानन को च ईशम सर्वान ऋषीन, और श्रेष्ठतम शासक को सब ऋषियों को तथा दिव्यान उर्गान पश्यामि तथा दिव्य सर्प को देखता हूँ। तथा स विस्मयाविष्ट हृष्टरोमा धनंजय देवम शिरसा प्रणम्य कृतांजलि अभाषत, देव तव देहे सर्वान देवान च भूतविशेष संधान कमला सनस्थम ब्रह्माणम च ईशम सर्वान ऋषीन तथा दिव्यान उर्गान पश्यामि भावार्थ। तब वह आश्चर्य में भरा रोमांचित हुआ परमपिता शिवपुत्र अर्जुन विश्व देव को मस्तक द्वारा प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, हे देवाधिदेव, मेरे द्वारा समर्पित अब आपके बने शरीर में सब देवताओं को तथा नंबर वार योग ऊर्जायुक्त प्राणियों की विशेष प्रकार की भिन्न योनि समुदायों को इस वटवृक्ष रूप सृष्टि वृक्षीय महादेव के व्यक्तित्व में पुरुषोत्तम संदमी अनासक्ति के कमलासन पर बैठे संपन्न बने चतुरानन को और उसी देह से श्रेष्ठतम शासक को संगठित पंचानन ब्रह्मा की ज्ञानेन्द्रियों में सब ऋषियों को तथा तीव्र गति से स्थानांतरित अर्थात सरकने वाले दिव्य सर्प रूप सन्यासियों को देखता हूँ। भगवान जिस तन में प्रवेश करता है वो तन भी विराट रूप धारण करता है। गीता में भगवान का विराट रूप दिखाया गया ना, है? वो विराट रूप कौन सी आत्मा के पार्ट का सूचक है? कौन सी आत्मा का विराट रूप है? मनुष्य सृष्टि का पिता ही सारी सृष्टि में चक्र लगाता है, तो अंत में जाकर के उसके 500-700 करोड़ बच्चे सृष्टि के अंत में सृष्टि विराट रूप धारण कर लेती है। इसलिए उस विराट रूप में देवताएं भी दिखाए हैं, मनुष्य भी दिखाए हैं, ऋषि मुनि भी दिखाए हैं, राक्षस भी दिखाए हैं, कीट पशु पक्षी पतंगे जो भी प्राणी मात्र हैं, उस विराट रूप में सब कुछ दिखाया हुआ है। तो विराट रूप किसका है? कौन सी आत्मा का विराट रूप है? है? मनुष्य सृष्टि के बीज रूप पिता का विराट रूप है। शास्त्रों में तो दिखाया है चतुरानन पंचानन, पांच मुख होते हैं, चार मुख होते हैं, तो जब चार मुख होते हैं या पांच मुख होते हैं संपन्न होने की यादगार शास्त्रों में लिखी हुई है। कभी टीवी में ब्रह्मा को बोलते हुए सुना है? सुना है? नहीं सुना? चार मुख वाले ब्रह्मा को बोलते हुए नहीं सुना? हा? सुना ना, एक जैसी बात बोलते हैं या चारों पांचों मुख अलग अलग बातें बोलते हैं? एक ही जैसी आवाज और एक ही बातें बोलते हैं। ये संपन्न स्टेज की यादगार है या अधूरी स्टेज की यादगार है? जब उनका संपन्न स्टेज का पुरुषार्थ संपन्न होता है तो एक ही आवाज बोलते हैं। ब्रह्मा सो क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं। बाप दादा ने देखा है,
कि बच्चों का टेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना कितने बड़े परिवार को संभालना कितना बड़ा परिवार था सरेंडर हैंड्स का। पास्ट की बात बताई, 18 जनवरी 69 से पहले की बात बताई, इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब प्रकार की जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहे, इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। कमलासन का क्या अर्थ हुआ है? कीचड़ की दुनिया में रहते भी आकर्षण में नहीं आना, जीवन मुक्त बन अभी जीवन मुक्त का मजा लिया। और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया, कैसा? जीवन में रहते हुए भी दुनियावी बातों से मुक्त स्टेज। शंकर जी को कौन से फूल के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं? कमल के फूल के ऊपर बैठा हुआ, तो वो कमलासन है, गृहस्थियों के बीच रहता है, गृहस्थियों को ज्ञान देता है, गृहस्थियों के पास खाता है, पीता है, रहता है और गृहस्थी बनकर रहता है। घर गृहस्थ की कीचड़ में रहता है। क्या विषपाई है या नहीं है? तो कीचड़ हुआ ना, कीचड़ में रहता है लेकिन बुद्धियोग से उपराम रहता है। ये कमल फूल का गायन है, कमल फूल को कीचड़ में डुबो दो और ऊपर उठाओ, कीचड़ रहेगा? कीचड़ की एक बूंद भी नहीं रहेगी। तो बताया कि निशानी है, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। ये कमल फूल जैसा जीवन बिताने वालों की यादगार है। ईश माना शासन करना, वर माना श्रेष्ठ, ईश्वर माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला। जैसे अभी बताया, मनुष्यों की दुनिया में जो शासन करते हैं, दंड विधान अपनाते हैं, तो वो हिंसा करते हैं शरीर की। ईश्वरीय शासन ऐसा नहीं है, शारीरिक हिंसा करना नहीं सिखाता। ये तो आत्मा को रियलाइजेशन करना सिखाता है। ईश्वर से ज्यादा अच्छा शासक दुनिया में कोई होता ही नहीं है। सबसे अच्छा शासक होने के कारण उसका नाम रखा गया ईश्वर। दोनों शब्दों को मिला के बनता है ईश्वर। ऐसी आत्मा रूपी तत्व, चैतन्य तत्व जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करता है, किसी को फांसी पर भी नहीं चढ़ाता है,
किसी को डंडे भी नहीं लगाता है, प्यार से पढ़ाई पढ़ाता है। 70 साल से भी ऊपर हो गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते ईश्वर को, कोई बताए किसी को टेढ़ी आंख से भी देखा हो, फिर भी नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो जाती है। ऐसा श्रेष्ठ शासक और दुनिया में न कोई हुआ है और न भविष्य में कोई होगा, इसलिए उसको ईश्वर कहा जाता है। वो श्रेष्ठ शासन करने वाली आत्मा सेवक आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाली परमात्मा में प्रवेश करता है।